प्रैक्टिस एक्सरसाइज फर्स्ट। अराउंड 10 years ago, देयर वॉज अ यंग मैन हूज नेम वॉज आकाश। लगभग 10 साल पहले एक आकाश नाम का युवा लड़का हुआ करता था। ही वॉज स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर, जो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा था। आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज MBBS, ही वर्कड हार्ड एंड वोन अ स्कॉलरशिप टू USA। उसने अपने MBBS पूरा करने के बाद अच्छा परिश्रम किया, फिर USA में पढ़ाई के लिए उसने स्कॉलरशिप भी जीता। ही गॉट हिज मास्टर्स डिग्री एंड डिसाइडेड टू कम बैक। उसने अपना मास्टर डिग्री पाया और वापस आने का निर्णय लिया। एलॉन्ग विथ हिम 10 ऑफ हिज फ्रेंड्स हैड ऑल्सो गोन फॉर हायर स्टडी टू अमेरिका। उनके साथ उनके 10 अन्य दोस्त भी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए थे। दे ऑल स्टेड बैक बट आकाश रिटर्नेड। वे सभी वहीं रुक गए पर आकाश वापस आ गए। आकाश's फादर वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ हीज सन्स डिसीजन। आकाश के पिताजी अपने बेटे के निर्णय से अधिक खुश नहीं थे। ही वॉज वेरी प्राउड दैट हीज सन हैड गॉट अ फॉरेन डिग्री। उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व था कि उनका बेटा विदेश का डिग्री रखा है। ही वॉन्टेड हिज सन टू मेक अमेरिका हिज होम, अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड फाइनली इन्वाइट हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर ऑल्सो टू सेटल डाउन इन अमेरिका। वह चाहते थे कि उनका बेटा अमेरिका में घर बनाए, ढेर सारे पैसे कमाए और अंत में अपने पेरेंट्स को, माता पिता को और अपने बहन को अमेरिका में बसने के लिए बुलाए। बट आकाश वॉज एडमिनेंट। लेकिन आकाश अडिग था। माई कंट्री हैज़ स्पेंट थाउजेंड्स ऑफ रुपीज इन एजुकेटिंग मी। मेरे देश ने मुझे पढ़ाने के लिए हजारों रुपए खर्च किया है। आई हैव टू रिपे दिस डेट और मुझे इस कर्ज को रिपे करना है, इससे मुक्त होना है। द ओनली वे आई कैन डू इट इज बाई सर्विंग द पीपल हियर। जिसका एकमात्र उपाय है कि मैं यहाँ के लोगों का सेवा के द्वारा मदद कर सकूँ। एंड मोर ओवर इंडिया एंड इट्स विलेजेस नीड गुड डॉक्टर्स फॉर मोर देन रिच कंट्रीज लाइक अमेरिका। और इसके अतिरिक्त इंडिया और इसके गांवों को अच्छे डॉक्टरों की ज़रूरत अमेरिका जैसे अमीर देशों से ज़्यादा है। यह प्रैक्टिस एक्सरसाइज पेट्रोटिज्म से लिया गया है, रीडिंग ए से। अब हम इनमें से कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं उनको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे हैं, पिक आउट द फॉल्स स्टेटमेंट्स एंड करेक्ट देम। असत्य कथन को अलग करिए और उसे करेक्ट कीजिए, उसे सही कीजिए। तो यहाँ कहा जा रहा है जो कथन यहाँ पे असत्य है उसे सत्य कीजिए। तो देखते हैं, पहला है इसमें, आकाश गॉट हिज MBBS डिग्री फ्रॉम इंडिया। आकाश ने अपना MBBS इंडिया से किया, यह बात सत्य है। दूसरा, आकाश स्टडाइड इन USA ओनली।
आकाश ने अपना अध्ययन केवल यूएसए में किया तो यह असत्य कथन है, क्योंकि उसने इंडिया में भी किया है। तो इसको करेक्ट करेंगे। अभी आगे देख लेते हैं। तीसरा है, आकाश गॉट हिज मास्टर्स डिग्री फ्रॉम यूएसए। आकाश ने यूएसए से अपना मास्टर डिग्री प्राप्त किया, यह सत्य है। चौथा, आकाश वांटेड टू सेटल डाउन इन अमेरिका। आकाश अमेरिका में बसना चाहते थे, ये असत्य है, वह बसना नहीं चाहते थे अमेरिका में। तो इसको हम लिख सकते हैं, आकाश डिड नॉट वांट टू सेटल डाउन इन अमेरिका। अगला है पांचवा, इंडिया हैड स्पेंट थाउजेंड्स ऑफ रुपीज इन एजुकेटिंग आकाश। इंडिया ने आकाश को शिक्षित करने में हजारों रुपए खर्च किए थे, यह कथन भी सत्य है। तो हमें यह दूसरा और चौथा सेंटेंस इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिला, तो यहाँ हम दूसरा को करेक्ट करेंगे। तो होगा, आकाश स्टडाइड बोथ इन इंडिया एंड इन यूएसए। आकाश ने दोनों जगह अध्ययन किया, इंडिया और यूएसए दोनों में, यहाँ इन लिख सकते हैं। चौथा को करेक्ट करेंगे तो होगा, आकाश वांटेड टू सेटल डाउन इन इंडिया। आकाश इंडिया में बसना चाहते थे, रहना चाहते थे। अब आगे दिया है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द यंग मैन, उस युवा व्यक्ति का क्या नाम था। तो आप सबको पता है, उनका नाम था आकाश। दूसरा है, व्हाई वाज आकाशस फादर अनहैप्पी, आकाश के पिताजी दुखी क्यों थे। इनका भी आंसर अभी हम पेसेज में देख सकते हैं, मैं अंडरलाइन करके आपको बता दूंगा भी। व्हाट वाज आकाशस फादर प्राउड ऑफ, आकाश के पिताजी को किस कारण से गर्व था आकाश पर। चौथा है, व्हाई डिड आकाश रिटर्न टू इंडिया, आकाश इंडिया वापस क्यों आ गए। पांचवा प्रश्न, हाउ डिड आकाश रिपे द डेब, आकाश ने कर्ज कैसे चुकाया। फिर है, राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ यूएसए एंड एमबीबीएस। तो यहाँ पे कहा है यूएसए और एमबीबीएस का फुल फॉर्म लिखने के लिए। तो यूएसए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एमबीबीएस का फुल फॉर्म है बेचलर ऑफ मेडिसिन एंड बेचलर ऑफ सर्जरी। बाकी क्वेश्चंस का आंसर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ पैसेज में, जहाँ आप देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर आकाश है, फिर दूसरा क्वेश्चन का आंसर है आकाशस फादर वाज नॉट वेरी हैप्पी विथ ही सन्स डिसीजन, यहाँ तक। तीसरा का आंसर है ही वाज वेरी प्राउड दैट ही सन हैड गॉट अ फॉरेन डिग्री। फिर चौथे क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसमें क्वेश्चन से यहाँ तक है, आकाश रिटर्नेड टू इंडिया, डिड को हटाकर रिटर्न को रिटर्नेट किया है यहाँ मैंने, उसके बाद टू रिपे डेप को लिखा है। फिर पांचवे प्रश्न के आंसर है यहाँ पे आकाश रिपेड, वहाँ रिपे दिया है, उसको डिड को हटा करके रिपेड किया है सेकेंड फॉर्म वर्ब के, रिपेड द डेप बाई सर्विंग द पीपल हियर, ये लिया गया है यहाँ से पांचवा को।
तो चौथा में इसको ऐड किया गया है और पांचवा में यहाँ को। अगला एक और प्रश्न है, एड सम मोर अपोजिट्स वर्ड्स स्टार्टिंग विथ अन, मीस, टीस, इल, इर, इन टू द लिस्ट। यहाँ इन शब्दों को जोड़ करके कुछ और विलोम शब्द बनाइए कहा गया है, जैसे कि यहाँ पे है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से या दुर्भाग्यपूर्वक, और इरिलीवेंट है, मिसयूज है, डिसअपियर है, इलॉजिकल है, इनटॉलरेंस है। तो इसी प्रकार से और वाक्य बनाइए कहा गया है। तो इस प्रकार से कुछ शब्द हम बना लेते हैं, जैसे एबल में यूएन जोड़कर अनेबल बना दिए, असमर्थ, रेगुलर को आईआर जोड़कर इरेगुलर, अनियमित, अंडरस्टैंडिंग को मिस जोड़कर मिसअंडरस्टैंडिंग, वैसे लीगल को इलीगल बना दिया गया है, कानूनी को गैर कानूनी, एबल में डिस जोड़कर डिसेबल। हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 के लिए एक और पार्ट बनाएंगे, जिनमें इसे और स्पष्ट कर दिया जाएगा।